उन्होंने शुरू कराया कब, शायद 15 या 16-17 अगस्त से उनकी क्लासेस शुरू हुई है। अभी कल परसों मेरे पास फोन आ गया, सर हम हिस्ट्री मॉड्यूल फिर से शुरू करने वाले हैं। इसका मतलब तुम समझे थे या समझे? ये आज तक का रिकॉर्ड रहा है, जिसको पढ़ा दिया वो किसी और से पढ़ ही नहीं सकता। ठीक है, अब मैं जाऊंगा नहीं जल्दी, ठीक, अब मैं वेट करूंगा और तब तक वेट करूंगा जब तक इकोनॉमी ना बढ़ जाए। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट लीड्स टू सोशल अपलिफ्टमेंट, और करना कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं ऐसे, मैं ये नहीं कर रहा बड़ा महान हूं, ठीक, करना कुछ नहीं, आपको बस मर्यादा के साथ और अपना काम पूरा करना है। ठीक, हिंदुस्तान में कामचोरों की कमी है नहीं है, ठीक, लोग कामचोर बहुत हैं भाई, 1/140 करोड़ हिंदुस्तान में हूं, ठीक, और 1/140 करोड़ हिंदुस्तान आप हैं। मैं अपना काम अच्छे से कर लूं, आप अपना काम अच्छे से कर लें, हिंदुस्तान सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है कि ना तो जो आता है इससे स्टूडेंट लोग है वो काम अच्छा करता है, और टीचर लोग आता है, ठीक, उसको जल्दी पड़ी रहती है, जितना जल्दी कितने से कितना जगह पहुंच जाऊं मैं। ठीक है, तो मैंने सुना है कि मौर्यन में कोई इंस्क्रिप्शन है ही नहीं, मौर्यन में लगभग 10 से 12 इंस्क्रिप्शन है जो आपके सामने है अभी। ठीक, और इसमें नुकसान किसका हो रहा है? बच्चों का नहीं हो रहा है, बच्चा तो तेज है आजकल। अरे भाई मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आपके पास किताबें हैं ना, आपको पूरा नहीं मिलेगा, कोई जानकारी नहीं मिलेगी, एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, बट आप किताब में जाके देखोगे तो क्या देर इज इंस्क्रिप्शन, और टीचर ने तो नहीं पढ़ाया, उसने बताया भी नहीं कि हाँ इंस्क्रिप्शन जैसी कोई चीज है मौर्यंस में, एक दो बता के फिर आगे निकल गए। उससे क्या हो रहा है, दैट आप अपनी डिग्निटी जो है खराब कर रहे हैं, आप अपनी वैल्यू खराब कर रहे हैं। ठीक है, जो कि नहीं करना चाहिए। ठीक है भाई, कोई चीजें आप पढ़ा रहे हैं उसमें से कुछ चीजें हट गई हैं, वो बात अलग है। तो ये मतलब रिकॉर्ड हो रहा है, तो अगर कोई टीचर सुन रहा हो तो उसको थोड़ा लगेगा कि हाँ भाई अपने को क्या करना है, अच्छे से पढ़ाना है ईमानदारी से। ठीक, और तुम लोग की जिम्मेदारी है कि तुम लोग ईमानदारी से पढ़ो, जो कि अभी तक तुम लोग नहीं कर रहे हो, ये भी मैं बोतल तुम्हारे मुंह पे। ठीक है, इसमें से कुछ ही ऐसे लोग, क्योंकि टीचर हूं भाई, समझ में आ जाता है मेरे को कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। गिनती के 5-6 लोग हैं जो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं अभी, बाकी लोग चल रहा है कि चल रहा है चलने दो, अभी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कल को कुछ और पढ़ लेंगे। वो सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्यों, क्योंकि उनको पढ़ना है, उनके अंदर वो जो होते ना आग जो होती है ना कि हाँ भाई ये पढ़ना है, सारी चीजों को सीखना है, एग्जाम देना है, एग्जाम क्रैक करना है, वाली चीज नहीं है। ठीक, तो सच बोलने से लोग डरते हैं, सच को एक्सेप्ट करो, सच बोलो भले किसी को बुरा लग जाए। ठीक है, मतलब अपन हमेशा से आइडियल तो रहे नहीं कि आइडियल है, हम महापुरुष हैं, नहीं महापुरुष हो ही नहीं सकते। ठीक है, अपन रियल रह सकते कि वास्तविक। ठीक है, किसी का दिल दुखा दो सच बोल के, लेकिन झूठ बोल के उसका मन मत रखो, नहीं तो कल को क्या होगा, वो इंसान तो समझ जाएगा, तुम गिर जाओगे उसकी नजरों में। आज भले ही दुख होगा, ठीक है कि हाँ अरे ऐसा बोल दिया, लेकिन कल को रिस्पेक्ट नजर आएगी कि भाई तो कुछ भी था लेकिन वो इंसान ऐसा नहीं था, और लॉन्ग टर्म में यही तो याद रहता है। आज से 20 साल बाद तुम्हें याद रहेगा क्या कैसा तुच्छ प्राणी आया था हमको पढ़ाने के लिए? लेकिन इसमें से कुछ आइडियाज, कुछ ऐसी चीजें जरूर होंगी जो आप सीख जाएंगे, हो सकता है आप अपनी लाइफ में इनकलकेट करें, और आप कहीं बैठे कि आपने ये कहां से सीखा, तो हो सकता है कहीं वहां मेरा जिक्र आ जाए कि हाँ एक इंसान आया था उसने ये बोला था, उससे हम सीख गए। क्योंकि और जो हम सबकी लाइफ में होता है, आप कभी ना कहीं किसी ना किसी से सीखते रहते हैं, मदर फादर पेरेंट्स टीचर सोसाइटी का वॉचमैन, किसी से भी सीखते हैं। ठीक, तो हमेशा ईमानदार रहिए अपने काम के प्रति। और ये मैंने कहां से सीखा, कुत्ते से, डॉग हमेशा ईमानदार रहता है। ठीक है, जान भी चली जाए लेकिन छोड़ेगा नहीं वो घर, अगर दुश्मन आ गए हैं तो या तो वो मरेगा या तो जो दुश्मन है वो मरेंगे, वफादार रहता है, ईमानदार रहता है। ठीक है, तो ये चीज आप
के अंदर भी होनी चाहिए अगर चीज मेहनत से पढ़ाई जा रही, क्योंकि ये सब कराने में टाइम लगता है, क्योंकि मैं बनाता भले नहीं हूं बट आइडिया मुझे ही देना पड़ता है, सोर्सेस मुझे ही शेयर करने पड़ते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं आपको दिखाऊंगा कभी अगर आपको, तो नोट्स बना के भेजना पड़ता है कि इसको टाइप करो, ठीक, क्योंकि एक जगह नहीं मिलता है, देयर आर डिफरेंट सोर्सेस, अलग अलग किताबें पहले छाननी पड़ती हैं फिर जाके चीजें मिलती हैं, इसलिए कभी कभार मैं देता नहीं, फिर कई बार लोग कॉपी कर लेते हैं, फोटो भी खींचते हैं ना तो वो उसको क्या करके क्रॉप करके कहीं डाल देते हैं, हर टेलीग्राम चैनल पे घूम रहा है, ठीक है, तो मैंने कहा तुम बीच में वाटरमार्क डालो, ठीक है, वो नाम दिखना चाहिए, भले अगर कोई कहीं डाले तो वाटरमार्क लगाओ उसमें, ठीक है, ये करना पड़ता है, क्यों भाई, क्योंकि अपन भी तो पैसा ही कमा रहे हैं ना ईमानदारी से, ठीक, चलो आओ, सोबोरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ठीक है, महास्थान महाराष्ट्र जो था वो महाराष्ट्र नहीं हुआ करता था, ठीक है, वहां पे क्या है कि कुछ फ्लड आ जाते हैं, ठीक, तो उसमें क्या है कि रिलीफ मेजर्स जो अडॉप्टेड किए गए थे भाई चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, उसमें ये चीजें बताई गई हैं, तो जो इंस्क्रिप्शन है वो आपका कहाँ है, महाराष्ट्र महास्थान वहां पे है, बट उसमें मेंशन क्या किया गया है कि मगध में क्या हो गया था, फ्लड आ गया था, बाढ़ आ गई थी, ठीक, उसके बाद महामारी फैल जाती है, ठीक, तो महामारी जब फैलती है तो महामारी को हम लोग फेमाइन कहते हैं, थोड़ा धैर्य रखा करो, ठीक है, देन उसके बाद यू विल फाइंड ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी कहाँ है, कर्नाटका में, ठीक है, उसमें क्या मेंशन है, माइनर रॉक एडिक्ट वन एंड सेकंड, जो कि मेंशन करते हैं कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कर्नाटका का नहीं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ का, मौर्यन एम्पायर का, किस तरीके का हुआ करता था, कि उसमें 18 तीरथ हैं, 27 अध्यक्ष हैं, आपकी 6 फैक्ट्रीज हैं, 6 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, ये सारी चीजें मेंशन है आपको कहाँ, ब्रह्मगिरी में। देन माइनर रॉक एडिक्ट नंबर 3, ये बताता है ही मतलब कौन, प्रियदर्शी, ठीक है, ही प्रोफेस डीप फेथ इन बुद्ध धम्म एंड संघ एंड रिकमेंड 6 बुद्धिस्ट टेक्स्ट फॉर मॉन्क्स नंस एंड द जनरल लॉयल्टी, ऊपर जो लिखे हुए थे, विनय पिताक, सूत पिताक, अभिधम्म पिताक, दीप वंश, महावंश, अनुवत्तर निकाय, ठीक, ये सब आपको पढ़ना है, किसको, जो जो क्या है, बुद्धिस्ट फिलोसफी को फॉलो करते हैं। इंस्क्रिप्शन आपको सहबाजगढ़ी में भी मिलेगा और मानेसर में मिलेगा, जो कि कहाँ लिखे गए हैं, खरोष्ठी स्क्रिप्ट, अगर खरोष्ठी स्क्रिप्ट मेंशन है इसका मतलब कहाँ लिखा गया है, आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, ठीक। और माइनर रॉक एडिक्ट नंबर 1 इंडिकेट करता है दैट अशोक गॉट कन्वर्टेड इनटू बुद्धिज्म और कब, 266 से लेकर 265 BC तक, तो इसके पहले क्या था वो अशोक, इसके बाद तो बुद्धिस्ट हो गया, इसके पहले है, बताओ भाई, फॉलोअर ऑफ शिव, किसने कह दिया, कहीं पढ़ा तुमने ये, यस, मतलब अपने मन से बोलो, कहीं पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, कि शिव का भक्त था वो, अच्छा, बिंदुसार जो था वो आजीविक सेक्ट को बिलोंग करता था, ठीक है, तो अशोक भी आजीविक सेक्ट में ही कहीं ना कहीं यकीन रखता था, ठीक है, और चंद्रगुप्त जो थे वो वैष्णवाइट थे, ठीक, पूजा उजा कभी हर भगवान, जैसे आप लोग जो हैं, बेसिक आपको पूछा जाएगा आप कि आप वैष्णवाइट हैं कि शैवाइट हैं, तो आप कैसे आंसर करेंगे कि आप वैष्णवाइट हो या शैवाइट हो, बताओ, अरे बताओ भाई, शैवाइट हो वैष्णवाइट हो, आंसर ही नहीं कर पा रहे, क्यों, कंफ्यूज हो गए हैं भाई, जाओ अपने कुल देवता को ढूंढो, कुल देवता किससे रिलेटेड है, आप वही होंगे, अगर कुल देवता कृष्ण से रिलेटेड है मतलब आप कौन है, वैष्णवाइट है, और किसी का कुल देवता शिव से रिलेटेड नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, नो वंस द इटर्नल गॉड और जो फैमिली गॉड होते हैं दे आर नॉट रिलेटेड टू शिव एट ऑल, शिव किसी से रिलेटेड ही नहीं है, दुनिया में जानते हो कितने भगवान है, एक, देयर इज ओनली वन गॉड, ठीक है, बाकी सब जो है मैसेंजर है, मैसेंजर किसके, गॉड, MSG पिक्चर देखी होगी तुम लोगों ने, ठीक है, सो मैसेंजर है बाकी सब, देयर इज ओनली वन गॉड, हर रिलीजन में चले जाइए, किसी भी धर्म में किसी जगह पे आपको एक ही मिलेगा, और वो क्या है, निराकार है, हिंदू धर्म में देख लो किसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है वही असली भगवान है, बाकी सब मैसेंजर है, ठीक, वो यही खड़ो के वीडियो पे बोल रहा हूं मैं, किसी को चैलेंज करना हो तो चैलेंज कर ले, ठीक, देयर इज ओनली वन गॉड,
और उसका नाम है शिव। शिव इज द इटर्नल गॉड। शिव आपको किसी से रिलेटेड नहीं मिलेंगे, बाकी ये सब जो है महेश हो गए, विष्णु हो गए, ब्रह्मा हो गए, दे आर द मैसेंजर्स। डिवाइन पावर जो है वो शिव ही है, ठीक है। कभी जो शिवलिंग देखा होगा आपने, वैसे ये नहीं बोलूंगा मैं कि बढ़िया वाला शिवलिंग, सारे ही अच्छे हैं। शिवलिंग जो आप देखें, कुछ कुछ शिवलिंग जो होते हैं, मुखलिंग जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है, मुखलिंग पता है ना, तो मुखलिंग में क्या होता है, यू विल फाइंड कि शिव के कई सारे वो बने, उसमें तीन लाइंस होती हैं और बीच में एक आय है। आय इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक। और वो जो आपको शिवलिंग दिख रहा है वही शिव का आकार है। किसी को पता ही नहीं कि शिव का आकार क्या है। शिवलिंग आपको अलग अलग फॉर्म्स में मिल जाएंगे, कहीं छोटा शिवलिंग है, कहीं शिवलिंग बहुत बड़ा है, ठीक है, कहीं आपको मिडल और मीडियम श्रेणी का आपको शिवलिंग मिलेगा। बट वो जो तीन लाइन है वो क्या डिपिक्ट करते हैं, तीन मैसेंजर्स, ब्रह्मा विष्णु और महेश। कभी आपने देखा कि महेश रात्रि या शंकर रात्रि हो रहा है, हमेशा शिवरात्रि होती है, ठीक, महाशिवरात्रि होगी, लेकिन भगवान तो शंकर भी है ना, तो शंकर रात्रि क्यों नहीं मनाते हो तुम लोग, या महेश रात्रि मना लो, नहीं मना पाओ क्योंकि है ही नहीं। दीज आर दी मैसेंजर्स, ठीक है। पता ना कि अवतार, अलग अलग अवतार लिए जाते हैं, ठीक, भेजने वाला कौन है, परम पिता परमेश्वर भगवान शंकर। पशुपति क्यों बोलते हैं, बिकॉज ही इज द गॉड ऑफ एवरी क्रीचर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, जितने भी क्रीचर है, ही कैन टॉक टू एनी वन, सांपों से भी बात कर सकते हैं, ही नोज ऑल द फ्रीक्वेंसी। जब आप देखो कि वो शिवरात्रि वगैरह तुम लोग गाना गाते हो ना कि भोले की बारात, उसमें देखो जब भोले की बारात आए तो सारे जानवर थे लाइन से, तो जो उनके पिताजी और माताजी सब डर गए थे, बताओ हमारी बेटी कैसे घर में जा रही है, सांप आ रहे हैं बारात में, ठीक है, नंदी बैल, फिर आपके जो आपके बंदर हैं, भालू, सब री सब आ रहे हैं बारात में, बिकॉज दे आर द गण ऑफ शिव। वो शिव के क्या हैं, गण हैं, और सिर्फ एक वही हैं जो सारे जानवरों से बात कर सकते हैं, इसलिए उनको पशुपति नाथ बोला जाता है। पिछले भी कोई केस हो गया था ना कि केदारनाथ में कोई एक कपल था, वो अपने कुत्ते को लेके चला गया था, तो लोगों ने नाटक कर दिए कि बताओ वहां को, अरे भाई वो पशुपति नाम ही है उनका, तो तुम क्या ढोंग कर रहे हो वहां पे, कुत्ता पहुंच गया मतलब उसको बुलाया गया है कि आओ, ठीक है, तो वो भगवान पशुपति ही है, तो वहां अगर घोड़ा भी चला जाए, गधा भी चला जाए, तो उसमें क्या आपत्ति है भाई, वो भी तो जीव है, वो तो ह्यूमंस ने बना लिया कि सिर्फ हमारा ही अधिकार है। तो समझ गए, कहने का मतलब ये है कि अगर कभी ये बोला जाए कि कोई शैवाइट है, तो इस समय शैविज्म का ज्यादा कॉन्सेप्ट आता नहीं है, ठीक है। आप जिस टाइम पे हैं उस टाइम पे शैविज्म और वैष्णविज्म दोनों का कॉन्सेप्ट जो है एक तरीके से विलुप्त है हिंदुस्तान में, ठीक। यहाँ पे जो है वो सिर्फ बिलीवर हो सकते हैं, जैसे आप बिलीवर हैं हर चीज में, कोई भी भगवान देखे मंदिर दिख जाए, आप चलते चलते आपका माथा झुक ही जाता है, इतने सदाचारी लोग हैं, ठीक है, गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है। लेकिन धर्म की जो चीजें हैं, जो टीचिंग्स हैं, वो लोग के अंदर नहीं रहती है, दिखावा बहुत है। तो अगर कभी ऐसा बोला जाए कि लोग कौन थे, बेसिकली ये बिलीव करते थे हिंदुइज्म में, हिंदू देवी देवता मानते भी थे, बट अगर बोला जाए कि किस पर्टिकुलर किसको बिलोंग करते थे, तो वैष्णविज्म और शैविज्म में आप उनको डाल नहीं पाएंगे। दे वर द बिलीवर इन द हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस, क्योंकि देवियों की भी पूजा करते थे ये लोग, लक्ष्मी का ओरिजिन हो चुका है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप इनको रख दें, चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म, बिंदुसार आजीविका, अशोक बुद्धिज्म, क्योंकि अगर स्टॉन्च हिंदू और ये सब होते तो हिंदुइज्म को खतरा थोड़े रहता अशोक से। अशोक, अब जो सोचिए कि अगर हिंदुइज्म भी अशोक को महान बता रहा है, इसका मतलब अशोक सच में बहुत महान था, इसलिए उसको बोला जाता है द ग्रेट अशोक, और अशोका द ग्रेट, क्योंकि पहला है। अकबर को तो ऐसे लोगों ने बना दिया है, बट वो भी महान है, ठीक है। किसी कोई बोले कि नहीं महान नहीं है, तो फिर मेरे को उससे मिलाओ, ठीक, मैं उसको बताता हूँ कि भाई तुम खोखले हो। कोई चीज सत्य है तो सत्य है भाई, अकबर ग्रेट है तो है, कमियां सब में होती हैं, ठीक है। लेकिन हम किसी भी राजा को इसलिए थोड़े जानते हैं कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा है,
हम किसी राजा को ये जानते कि उसने सोसाइटी के लिए क्या किया है। अशोक ने देखो जोड़ दिया सबको, यही काम अकबर ने किया है। अरे भाई अकबर नहीं होता, लोग मथुरा में भूखे मर जाते। ठीक, उसने बोला कि अच्छा क्या कर सकते हैं, बोले यहाँ के लोग रिलीजियस बहुत है, बोले चलो मंदिर बनवाते हैं। अकबर ने बोला चलो मंदिर बनाओ। अकबर जा रहा है देखने के लिए मंदिर कैसा बन रहा है, पैसा दे रहा है कि चलो यहाँ गोविंद थे वो टेम्पल बनाओ। इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर ओनली। बोले कि एक मंदिर क्यों बनवा रहा है, ताकि इकोनॉमी के लिए। एवरी किंग इज रिलेटेड टू इकोनॉमी, उसका धर्म से ज्यादा कोई लेना देना होता नहीं है। अशोक बोलो कि बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट है वो, ही इज अ फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, बट कौन सा, ट्रेडिशनल बुद्धिज्म, और ही इज अ फॉलोअर ऑफ धम्म, और धम्म का मतलब रिलीजन नहीं है, धम्म का मतलब है द पीस फॉर ऑल, एक सोशियो एंड कल्चरल पीस फॉर ऑल, सब क्या है भाईचारे में रहे। इसीलिए कुछ साल तक इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसको फॉलो किया, लेकिन अब नहीं फॉलो कर पा रहे हैं। ठीक, करेंगे थोड़े दिन में जब दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट, अब कॉइन्स वगैरह जो है उसको देखेंगे। तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि पना जो था वो एक वर्सेटाइल आपका करेंसी हुआ करता था, जो हर जगह आपको मिल जाएगा। वो पना वर दी सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स को सुवर्ण कहते थे, ठीक, और मशक वर दी कॉपर कॉइन्स, तीनों कॉइन्स मिलेंगे, इसका मतलब इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी। ठीक, अ होर्ड ऑफ पंचमार्क सिल्वर कॉइन्स वर फाउंड फ्रॉम गोरखपुर एट अ साइट ऑफ पाटलिपुत्र बिलोंगिंग टू प्री मौर्यन टाइम्स। ठीक, most of these coins have only symbols like tree, inrailing, sun, moon, mountain, animal, bird, etc. ठीक, जो आपने कल पढ़ लिया है कि पंचमार्क कॉइन्स जो है महाजनपद में डेवलप होते हैं, और उसके ऊपर पंचमार्क क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो मिल गया उसका ही पंचिंग कर दिया जाता था, कभी बुल, कभी ट्री, कभी आपका हिल, कभी चंद्रमा, कभी सूरज, जो मिल जाए वही, जिसमें आप बिलीव करते हैं। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे मोनूमेंट्स, मोनूमेंट्स अच्छे से पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर में, जहां आपको मिलेंगे पिलर्स, कि पिलर में क्या क्या है, कैपिटल एनिमल क्या है। उसके बाद आप पढ़ेंगे स्तूप, केव्स और पैलेसेस, पैलेसेस तो है ही नहीं, पैलेसेस बचे ही नहीं है। ठीक है, बट मेगास्थनीज जो है वो कहता है दैट मॉडर्न पैलेसेस एट पाटलिपुत्र वाज अस स्प्लेंडेड एज दैट इन कैपिटल ऑफ ईरान, फ्रेगमेंट्स ऑफ स्टोन पिलर एंड स्टम्प्स इंडिकेटिंग एग्जिस्टेंस ऑफ 80 पिलर्ड हॉल हैव बीन डिस्कवर्ड एट कुमराहर। जो ये एक्चुअल में अभी साइट है, लेकिन वहां पैलेस नहीं है। ठीक, कुमराहर पैलेस जो जहां पे अशोक रहा करता था वो साइट अभी भी है, बट वहां पे क्या है, कोई भी पैलेस आपको अब नहीं मिलेगा। ठीक, तो अब इसको यहाँ पे विराम दे देते हैं। प्लीज आ जाइए आप पॉलिटिकल हिस्ट्री में। ठीक, नहीं, पॉलिटिकल हिस्ट्री से पहले लिटरेरी सोर्सेस लिखिएगा। इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बुक्स जो आपको नोट करनी है वो, ताकि आपको बार बार याद हो जाए, पहली बुक है दिव्य वादन एंड अशोक वादन। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन बताते हैं किसके बारे में, दे गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट बिंदुसार एंड अशोक का एक्सपेडिशन तक्षला के ऊपर एंड हिज कन्वर्जन टू बुद्धिज्म। ठीक है, इसी के साथ साथ यू विल फाइंड, इसको लिखो मत, ये यहाँ पे है, फोटो खींच लेना, घर जाना लिख लेना, भी समझ लो। ठीक, श्रीलंकन टेक्स्ट दीप वंश और महावंश क्या डिस्क्राइब करते हैं, कि किस तरीके से बुद्धिज्म ने इन्फ्लुएंस किया अशोक को, जिसकी वजह से अशोक जो है बहुत पीस लविंग पर्सन हो गया, एंड ही हैज आल्सो स्प्रेड बुद्धिज्म टू सेलोन, सेलोन मतलब श्रीलंका। ठीक है, एंशियंट टाइम में इट वॉज कॉल्ड एज सेलोन। ए कॉमेंट्री ऑन चाणक्य एंड चंद्रगुप्त नोन एज आपका वंश स्थापक सिनी कंपोज इन अबाउट 10 सेंचुरी AD, ये भी किसके बारे में बात करता है, चंद्रगुप्त, बिंदुसार एंड देन अशोक। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनका यही चल रहा है। मंजूश्री मूल कल्प जो आपका महायान वर्क है, जो बहुत बाद में लिखा गया है, ठीक है, कवर्स अ वास्ट हिस्टोरिकल पीरियड फ्रॉम 7th सेंचुरी BC टू 8th सेंचुरी AD रिगार्डिंग नंद एंड द मौर्यास। इसमें आपको नंद हिस्ट्री भी मिलेगी और मौर्यन हिस्ट्री मिलेगी। किताब का नाम है मंजूश्री मूल कल्प। कितनी किताबें हो गई, 2, 2, 4, 5 और 6, ये किताबें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, नहीं याद होंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब इसका फोटो खींच लो, क्योंकि पूछा जाएगा कि कौन सी किताब में क्या लिखा है एंड दे आर रिलेटेड टू विच किंग, कौन से राजा से रिलेटेड है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक यही है। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं कि देखिए अर्थशास्त्र बेसिकली कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, आपको पता ही है,
संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है साइंस ऑफ मटेरियल, ठीक। इट इज, इसमें क्या मिलेगा आपको, इट इज अ ट्रिटाइज ऑन पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ कौटिल्य व्हिच इज ऑफन कंपेयर्ड टू निकोलाय मैकियावेली द प्रिंस। ये द प्रिंस जो है, दिस इज अ बुक ऑफ मैकियावेली, ठीक है, जिसमें मैकियावेली ने भी क्या लिखा है, दैट हाउ अ किंग शुड बी, एक राजा जो है वो किस तरीके का होना चाहिए, ठीक, उसके बारे में जानकारी जो है आपको इसमें मिलती है। एंड इट इज बीइंग कंपेयर्ड टू द कौटिल्य अर्थशास्त्र, दोनों किताबों को एक तरीके एक कैटेगरी में रखा जाता है। इट गिव्स डिटेल्स अबाउट इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेट अफेयर्स, द आइडियाज एक्सप्रेस इन द अर्थशास्त्र आर प्रैक्टिकल, ठीक है। कितनी किताबें हैं, 15 बुक्स हैं, जिनको कहा जाता है अधिकारणस, ठीक है, और उसमें 180 चैप्टर्स हैं, दे आर कॉल्ड एज प्रकरणस, ठीक, बाकी आपको पता है, ठीक, कि पहले से पांचवी किताब में क्या है, फिर आगे की जो 6 से 13 किताबें उसमें क्या है, और लाखी किताब में मिसलिनियस टॉपिक्स हैं। मुद्रा राक्षस बाय विशाखा दत्त, आपको पता है कि चंद्रगुप्त ने कैसे चाणक्य के साथ मिलकर क्या किया, धनानंद को रास्ते से हटा दिया एंड एस्टैब्लिश दी मॉडर्न एम्पायर, ठीक है। तो वो विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस बेसिकली क्या है, उसमें मैकिनेशन ऑफ चाणक्य अगेंस्ट चंद्रगुप्त एनिमीज, ठीक, और उसको लिखा कब गया है, 6th century AD, मतलब गुप्तास के टाइम पीरियड में, ठीक। बाकी अदर लिटरेरी सोर्सेज जो हमें बताते हैं कि यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक हुआ करते थे, दे आर कथा सरिता सागर बाय सोमदेव, बृहत कथा मंजरी बाय क्षेमेंद्र, देन आपको मिलेगा कमंदक बाय नीतिसार, राज तरंगिनी बाय कल्याण, बहुत बाद में लिखा गया है, ठीक है। ये सारे के सारे जो है, जैसे बाणभट्ट की किताब है कादम्बरी, लिखा गया आपका 6th century 7th century AD में, ठीक है। देन आपका दश कुमार चरित्र है भाई दांदिनी, और कल्प सूत्र है भाई भद्रबाहु, और भद्रबाहु जो है ये जो है, इसे कॉल मेरा ही कॉल आ रहा है क्या, सॉरी, कल्प सूत्र भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया है। एंड भद्रबाहु वाज फ्रॉम, देखिए जैनिज्म में 2 डिवीजन है, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। तो भद्रबाहु जो है वो दिगंबर सेक्ट को बिलोंग करते थे, ठीक है, और जो भद्रबाहु है इन्हीं के इन्फ्लुएंस में आके चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जैनिज्म जो है वो ज्वाइन कर लिया था। व्हेन देयर वाज फेमाइन इन मगध रीजन, ठीक है, उस समय क्या है कि ये बोला जाता है कि मगध से हम लोग अपनी कैपिटल शिफ्ट कर देते हैं कहां, साउथ में, ठीक, क्योंकि वहां पे रिवर्स हैं, गोदावरी कृष्णा ये सारी, ठीक, तो वहां चलते हैं। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि नहीं, पूरी जनता को ले जाना क्या है, दिक्कत की वाली बात है, ठीक है, तो पहले हम लोग चलते हैं वहां, देखेंगे माहौल कैसा है, उसके बाद फिर यहां से लेके जाएंगे। भद्रबाहु के साथ ही वेंट टू श्रवण बेलगोला, ठीक, विच इज द हेडक्वार्टर ऑफ आपका दिगंबर सेक्ट, ठीक, लेकिन चंद्रगुप्त वहां से वापस नहीं आता है। तो वहां पे उसको शिक्षा और ज्ञान इतना ज्यादा मिल जाता है, इसलिए कहते हैं ज्यादा ज्ञान नहीं लेना चाहिए, ठीक, इतना ज्यादा ज्ञान मिल जाता है उसको कि वो फिर सारी दुनिया छोड़ देता है, बोले ये सब मैंने तो बहुत पाप कर लिया, ठीक, अब उसका प्रायश्चित करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, संलेखन, ठीक, और संलेखन क्या होता है, इट इज अ एक्सट्रीम पेनेंस, ठीक है, जहां पे आप खाना होना सब छोड़ देते हैं, ठीक, आप सिर्फ और सिर्फ प्रायश्चित करते हैं अपने सिंस का, ठीक है, और जो भी आपने गलत काम किए हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत लोगों को मारा है अपनी लाइफ में, ठीक है, और बहुत क्रूएल डिसीजंस भी लिए हैं, कभी कभी किसी के राइट्स छीन लिए, कुछ कर लिए। तो फिर उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ हो जाती है इन द ईयर 297 BC, बट छोड़ देता है वो 299 में साम्राज्य, ठीक है। उसके बाद बिंदुसार आते हैं और बिंदुसार के बाद अशोक। सो प्लीज मेंशन चंद्रगुप्त मौर्य। और आप लोग परेशान मत होइएगा, अगर वो होगा तो ये जो स्लाइड वगैरह है ये मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है, मेरा मन करेगा तो, ठीक है। हाँ भाई, लिखे चंद्रगुप्त मौर्य 323 to 299 BC। लिखे he came on the throne after defeating Dhananand in the first 15 years
in the first 15 years, he expanded and consolidated. In the first 15 years, he expanded and consolidated the empire around 305 BC. Chandragupta fought against